हेलो स्टूडेंट्स, आज असी शुरू करन लगे हैं जैन धर्म। तो सब तो पहले असी देखते हैं जैन शब्द का जो अर्थ है वो संस्कृत की भाषा के शब्द जैन तो निकले, जिसका मतलब होंदा विजेता। जैन का मतलब विजेता, तो विजेता तो भाव वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियां अते मन नूं जित लिया होवे। जैन धर्म को शुरू शुरू के निरग्रंथ के नाल भी जाने जाता सी। तो निरग्रंथ का मतलब सी रहत, बंधना तो रहत जां मुक्त, बंधना च नाम बजा होया। तो जैन आचारिया सी जिहड़े नेता सी, मतलब मोढ़ी सी इन्हां दे, जां कह दईए आपां जिहड़े आगू सी उन्हां नूं तीर्थंकर भी कहा जाता सी। तो तीर्थंकर तो भाव पुल बनाउण वाला जां संसार दे भाव सागर तो पार करन वाला गुरु। जैन दर्शन नूं अरहत दर्शन भी कहा जाता है। अरहत तो भाव है पूजन योग। तो जैन धर्म नूं मनण वाले सारे जैनी अखवाउंदे सी। तो 24 तीर्थंकरां विचों विश्वास रखते सन। तो 24 तीर्थंकर कि सन, तो सब तो पहले नहीं जिन्हां नूं मोढ़ी मनाया जाता वो है ऋषभदेव। सब तो पहले ऋषभदेव। सैकंड है जी अजित। तो असी इन्हां दे विच्चों जो मेन तिन ने जो मोढ़ी है, तो 23वें पार्शवनाथ, तो 24वें महावीर, इन्हां बारे सी जिहड़ी अज गलबात वह करांगे। तो सब तो पहले असी देखांगे जी ऋषभनाथ के बारे। तो ऋषभनाथ नूं जिहड़ा जैन धर्म का मोढ़ी मन्या जाता, तो उन्हां दा जन्म सी जिहड़ा अयोध्या विच होया सी। उन्होंने उत्थे कई वरां तक राज कीता। बाद दे विच उन्होंने अपने राज अपने पुत्र भरत नूं सौंप दिता, तो आप खुद संसार त्याग के तपस्या वाल लग गए। अंत उन्होंने जिहड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो लोगों को उस ज्ञान बारे उन्होंने उपदेश दिता। तो पहले तीर्थंकर आखे जाते ऋषभनाथ। उस तो बाद जो 21 होर तीर्थंकर हुए, उन्होंने बारे जैनी परंपरा अनुसार जां जैनी रवायतों अनुसार उन्हों का जिक्र आता है। तो 23वें तीर्थंकर सी पार्शवनाथ, तो 24वें भगवान महावीर। तो स्वामी पार्शवनाथ जिहड़े 23वें तीर्थंकर ने, उन्हों का जन्म सी जिहड़ा 250 वरे पहला बनारस के राजे महावीर के जन्म तो 250 वरे पहला बनारस के राजे अश्वसेन के घर होया। तो उसकी माता का नाम सीगा जी वामा देवी। पार्शवनाथ के पिता का नाम अश्वसेन, तो माता वामा देवी। उनका बचपन से जोड़ा बड़ा ऐशो आराम बतीत होया पार्शवनाथ का। तो 30 वरिया की उम्र में पार्शवनाथ ने अपने सारे सुखों दुखों का जोड़ा त्याग कर दिता। तो तपस्या में निकले। तो 83 दिन उन्होंने घोर तप के मगरों ज्ञान की प्राप्ति, किन्ने दिन 83 दिन। तो जीवन के जोड़े बाकी 70 वरे उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लाया। 777 ईस्वी पूर्व लगभग उन्होंने बिहार के माउंट समेता नामक पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त होया। बिहार के 777 ईस्वी पूर्व के माउंट समेता पहाड़ी पर जिहड़ा सी उन्होंने निर्वाण प्राप्त होया। तो स्वामी परशुनाथ दी सिक्ख्यावां चतुर्याम जां चार प्रण कहिंदे, क्योंकि चार सीगियां ना करके चार प्रण कहा जाता। तो किहड़ियां सीगियां? अहिंसा, भाव जानदार चीज़ों नूं कष्ट ना पहुँचाउणा। सुनित्र, झूठ ना बोलना। अस्ते, बिना दित्तां कुछ नहीं लैणा। अपरग्रह, तो संसारक पदार्थां नाल मोह ना पाओ। अहिंसा, सुनित्र, अस्ते, अपरग्रह। तो लास्ट दे विच फिर बाद विच भगवान महावीर ने इहदे विच एक होर जोड़ती सी ब्रह्मचर्या। तो उन्होंने पंच क्या सीगा, पंच जिहड़े सी
चतुर ज्ञान दे विच वाधा करता सी, उन्हां नूं पंज बनाता सी। तां हुण असीं गल करांगे भगवान महावीर दे जीवन बारे, लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीर। तां महावीर दा जन्म सी जिहड़ा 599 ईस्वी पूर्व नूं वैशाली बिहार दे विच उत्थे कुंड ग्राम विखे होया सी। वैशाली दे विच कुंड ग्राम विखे होया। तो कुछ इतिहासकारां विच जन्म मिति नूं लैके जो वख वख विचार है, कुछ 540 भी दसदे आ। तो स्वामी महावीर का जिहड़ा बचपन का नाम सी वह वर्धमान सी। पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ सी। जिहड़े क्षत्रिय कबीले ने, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया पिता किहड़े कबीले नाल संबंध रखदे सी, तो क्षत्रिय कबीले जंत्रिका दे मुखी सी। ते माता सी उसदा नाम त्रिशला, ते वो लिशवी वंश दा जिहड़ा चेटक सी उसदी भैण सी। लिशवी वंश नाल संबंध सी माता दा। महावीर वास्ते सिक्ख्या जिहड़ा वधिया प्रबंध कीता गया, पर उन्हां दा ध्यान इस पासे नहीं लग्गिया। तो फिर उन्हां दा ध्यान लाउण वास्ते उन्हां दा विआह पिता ने एक सुंदर राजकुमारी यशोदा या यशोधरा भी लिखा हुंदा है, यशोधरा नाल कर दिता। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜਾਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਮਲੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰਦੀ ਵਰਮਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਦੀ ਵਰਮਨ ਤੋਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਰਿਮਥ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਗਿਆਨ, ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਮਾਨ ਕੀ ਅਖਵਾਏ, ਉਹ ਜਨ ਕੀ ਅਖਵਾਏ, ਵਰਧਮਾਨ ਜਨ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 42 ਵਰੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 42 ਵਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਕੌਸ਼ਲ, ਮਿਥਲਾ, ਵਧੇ ਅਤੇ ਅੰਗ। ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਯਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਜੈਨ ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਣ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਦੇ 14,000 ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। 72 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਲਾਰਡ ਮਹਾਂਵੀਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ। ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਂਵੀਰ। ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਰਤਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਫੇਥ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਫੇਥ, ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ,
राइट कंडक्ट, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान ते सच्चा आचरण। इन पहला सच्ची श्रद्धा का मतलब की है भी 24 तीर्थंकर दे विच पक्का विश्वास होना चाहिए। सच्चा ज्ञान का मतलब की है, तीर्थंकर द्वारा जोड़े उपदेश दते गए है सच्चा ज्ञान हासिल उस करना चाहिए, तो फजूल के रीति रिवाजों के नहीं पैना चाहिए। साड़ा ही सच्चा आचरण तो भाव है कि मनुख को हमेशा ही सच बोलना चाहिए तो पवित्र जीवन बतीत करना चाहिए। सैकेंड पॉइंट है जी अहिंसा। जैन धर्म के बुद्ध धर्म दोहां दा जिहड़ी सिक्ख्यावां दे विच अहिंसा एक कॉमन पॉइंट है इन्हां दा, तो अहिंसा विच विश्वास रखदे सी। उन्होंने जैन धर्म की आधारशिला कहा है अहिंसा नूं, तो अहिंसा तो भाव से भी किसी जानदार जीव नूं कष्ट ना देना। पशुआं जां रुखां दे इलावा पत्थरां विच वी कहिंदे जान हुंदी है, तो इस कारण जीवां जां निर्जीव नूं कष्ट नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने इस उद्देश नाल जैनी हमेशा नंगे पैर चलते सी। मूँह तो एक पट्टी बन्ने वाले तुसीं देखे होणगे वी आदमी ने पट्टी बन्नी हुंदी है मूँह ते, ठीक है, वह जैनी हुंदे ने। तो उन्होंने आसर भी हवा जो मूँह रही जाती तो कई बार जीव अंदर चले जाते, इस करके मूँह तो भी पट्टी बन के रखता भी कितने जी हिंसा का रूप मतलब कि कोई जीव कष्ट ना आ जाए किसी को, पैरों थले भी कोई जीव आ के ना मरे, तो करके नंगे पैर चलते हैं तो मूँह तो पट्टी बन के रखते। पानी भी छान के पीते है तो सूरज छिपन तो बाद भोजन भी वह नहीं खाते। तो इन्हों का सी अहिंसा। कठोर तपते उन्होंने कठोर तप का रास्ता जो अपनाया, आप खुद महावीर जी 12 वरिया तो कठोर तप तो बाद जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त होया सी, तो उन्होंने अनुसार कठोर तप राही मुक्ति प्राप्त जी की जा सकती है। तो अपने शरीर में जो जैनी लोग वध कष्ट देंगे। पांच अणुवर्त आप पिछे भी गल की सी, परशुना दे चार उन्होंने दते सी, तो पंजवा सी जो भगवान महावीर ने सच बोलना सी, अहिंसा की नीति से चलना, कोई भी अजि वस्तु अपने को नहीं रखनी जी उन्होंने दान विच प्राप्त हुई हो, उसनों अपने को नहीं रखना चाहिए, तो उसनों ब्रह्मचर्य का पालना करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य से जो भगवान महावीर ने जुड़े सी विच। तो इस तो अगे देखते हैं जी असी समानता विच विश्वास। भगवान महावीर जिस जिहड़े सीगे समानता सारे मनुखों नूं बराबर समझते, कोई उन्हां दे नज़र दे विच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता। कर्म संधात विच विश्वास, विश्वास कर्म थ्योरी दे विच भी फिट सी उन्हां दा, कहिंदे सी जिहो जिहा मनुख इस समें दे विच कर्म करदा अपने इस जीवन दे विच तो उसदा फल उसनूं अगले जीवन दे विच मिलदा, जो चंगे कर्म करता तो चंगा फल मिलेगा, जो माड़े कम करता तो माड़ा फल मिलेगा, मतलब आवागमन के चक्कर पिया रहा। शुद्ध आचरण गुड करैक्टर इस विशेष महत्व दिता उन्होंने, सानू चोरी नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा किसी दे जां लालच बुराइयां सब तो दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सानू सादा तो पवित्र जीवन बतीत करना चाहिए, मनुख नू पापी नाल नहीं सगो उसके पापा के नाल नफरत करनी चाहिए है। 24 तीर्थंकर की पूजा, जैन धर्म में मनने वाले 24 तीर्थंकर अपना देवता मन के उसकी पूजा करते, तो उन्होंने पूरा विश्वास होना चाहिए उन्हों का कि उन्होंने मनुख को निर्वाण ता ही प्राप्त होंगे। यज्ञ ते बलियां विच अविश्वास, उन्होंने यज्ञ ते बलियां क्योंकि वह हिंसा के तो विरोधी सी, तो इस करके जग ते बलियां नूं उन्होंने झूठे रीति रिवाज दस्या, इस बारी दिखावे का कोई फायदा नहीं उन्होंने आख्या, तो इस तो सानू दूर रहना चाहिए। वेदां दे संस्कृति भाषा में अविश्वास, उन्होंने उस समय के वेद जां संस्कृति भाषा में जो पवित्रता का दर्जा मिलया हुआ सी जिहड़े आम लोगों की समझ दे विच नहीं आ रही सी, तो उन्होंने उन्हां दे विच उन्होंने कोई विश्वास नहीं प्रगटाया, तो सारियां भाषा नूं ही पवित्र दस्या उन्होंने, तो उन्होंने आप खुद अर्ध मगधी भाषा दे विच जिहड़ा प्रचार सी उह कीता। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा दे विच ते भगवान महावीर ने अर्ध मगधी भाषा दे विच प्रचार किया जिहड़ी उस समय लोगों की आम प्रचलित भाषा सी। ईश्वर विच अविश्वास, परमात्मा दे विच भी उन्हां दा कोई विश्वास नहीं सी,
संसार की ईश्वर नूं संसार की रचना पालना दे खत्म करन वाला नहीं है, उन्होंने मन्या निर्वाण प्राप्त करने ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। मनुख की आत्मा ही उन्होंने महान शक्ति है ते मनुख सादा ते पवित्र जीवन करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण, निर्वाण तो भाव है कि जीवन का मुख्य देश ही, वह कहते भी निर्वाण प्राप्त करना आवागमन के चक्करों तो मुक्त होना। जैन मत अनुसार निर्वाण तो भाव आवागमन के चक्करों तो मुक्ति। निर्वाण प्राप्ति तो बाद मनुख का इस संसार विच जन्म मरण का चक्कर जो हमेशा लिए खत्म हो सकता है ते पूर्ण शांति की अवस्था दे विच जिहड़ा मनुख है पहुँच सकता है। हाँ जी, अज असी देखिया भगवान महावीर दा जीवन ते उन्हां दीआं सिक्ख्यां। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।